तो वेलकम बैक मैचन। और जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे साथ जुड़ चुके हैं अभी मुकुंद कुमार, जिन्होंने रैंक हासिल किया है यूआर से 18 रैंक, 18 रैंक इन्होंने हासिल किया है। तो इनके बारे में मैं अभी बताऊंगा थोड़ा बहुत, बट ये भी अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो चलिए इनसे जानने की कोशिश करेंगे और सारा टिप्स मैं यहाँ पे शेयर करूँगा कि इन्होंने कैसे 18 रैंक हासिल किया था, और ये खुद भी बताएंगे कि मेरे चैनल से किस किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई किया था और कैसे इन्होंने 18 रैंक हासिल यहाँ पे किया था। तो मैं सबसे पहले मुकिन आपका वेलकम करना चाहूँगा अपने चैनल पे, और साथ ही साथ मैं आपको कंग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगा कि आपने 18 रैंक को यहाँ पे सिक्योर किया। और आपको कैसा फील हो रहा है कि आपने मेरे चैनल के साथ जुड़ा हुआ है अभी और आप मेरे से बातचीत कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? और आपने जो 18 रैंक हासिल किया है वो आपने कैसे हासिल किया है? और थोड़ा सा पहले आप इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मुकुंद कुमार हुआ, मैं मधुबनी जिला से बिलोंग करता हूँ। और मेरा रैंक सच में आप लोग सुन रहे हैं कि यूआर में 18 आया हुआ है। और मैं चेन्नई से पॉलिटेक्निक किया हूँ, जो इमाम पॉलिटेक्निक कॉलेज है वो मैं चेन्नई से पॉलिटेक्निक किया हूँ, और 2021 में पास आउट हुआ था। और मैंने एक पहली पिछली 2021 में भी जीसीसी का टैली का एग्जाम दिया हुआ था, जिसमें रैंक नहीं आने के कारण मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। लेकिन फिर ये टेक टंकू नाम का एक चैनल, उससे मैंने प्रिपरेशन किया। इस बार वो मैथ्स मैथ्स मैकेनिक्स इंग्लिश सारे सारे चीज उस पर होते थे, तो मैंने उन्हीं का क्लास किया। फिर उनसे अच्छा खासा मतलब बेनिफिट्स हुए, और बुक वगैरह से जो भैया बताएं उनको फॉलो करते गया और अच्छा खासा रैंक। ओके थैंक यू। तो हम आगे ही बढ़ेंगे, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, वन बाय वन करके लेंगे। तो थैंक यू, आपने अपना इंट्रोडक्शन बताया। और जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने 21 में भी आपने अटेम्प्ट दिया था, तो 21 में आपने क्या गलती करा था कि आपका रिजल्ट नहीं बना था? और 21 के बाद से आपने 22 में फिर से अटेम्प्ट दिया और आपने अच्छा खासा रैंक स्कोर किया, तो इन दोनों के बीच में आपको क्या गलती दिखा, उस गलती को थोड़ा बताइए, क्योंकि ऑडियंस भी गलती कर सकते हैं, तो उनको एक आइडिया रहे कि ये गलती नहीं करना है। 21 में चूंकि मैंने मेरा सेमेस्टर था सबसे पहली बात तो है, और मैंने फॉर्म भरा, तो फॉर्म मतलब फॉर्म के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो और सीनियर सब जैसे बता रहे थे कि इंग्लिश पास कीजिएगा तो आपका कॉलेज मिल जाएगा, वैसे मैंने फॉलो किया था, वैसे मैथ भी पढ़ाई किया थोड़ा बहुत किया था, बट उससे अच्छा खासा रैंक अभी आया था, बट एडमिशन नहीं हो पाया पता नहीं किस कारण। बस मुझे उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने अगेन उसी जुनून से प्रिपरेशन स्टार्ट किया 2022 में, तो अच्छा खासा रैंक आया सब। यानी कि आप मेनली जो है कि आपने जो चूक किया था, गलती किया था, वो आपने सेमेस्टर पे ध्यान दिया था और इधर प्रिपरेशन पे कम ध्यान दिया था, जिस वजह से आपको उस टाइम पे क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, और अभी आप क्वालिफाई किए थे बट वो रैंक अच्छा नहीं। अच्छा, रैंक अच्छा नहीं है, तो चलिए ओके, कोई बात नहीं। अगर आप मेहनत करते हैं तो एक बार नहीं तो दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार में हो ही जाता है, बट लगे रहने की कोशिश होनी चाहिए था, और अपने आप को मोटिवेट रखना है कि हाँ आई हैव टू डू समथिंग एंड आई कैन डू इट, ऐसा अपने आप को मोटिवेट रखना। तो चलते हैं मुकुंद आगे, एक आध क्वेश्चन और भी है मेरे पास, जैसे कि मैं पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले आपने बताइए कि मेरे चैनल से आपको कैसे बेनिफिट मिला, और मेरे चैनल को कब आपने मतलब कि कब आपको मेरा चैनल मिला, और आपने जो चैनल को पाया वो किसी दूसरे के थ्रू, आपको लिंक के थ्रू मेरे से ज्वाइन हुए, या आपने यूट्यूब पे सर्च करके यहाँ पे आया था, कैसे मेरे से आपने कनेक्ट हुआ, और कैसे आपने आपने मेरे को फाइंड आउट किया, और कैसे आपने मेरे चैनल से पढ़ाई की? मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मुझे एक मतलब वो क्या बोलते हैं, मुझे वो सॉलिड ज्योमेट्री सिलेबस है मैथ का, उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने सॉलिड ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट मतलब खोजना चाहा, तो आपका सबसे पहले आया था ऊपर में टेक पंकु नाम का चैनल, तो वहां से पता चला मेरे को कि सॉलिड ज्योमेट्री का आप सारे कवर करा चुके हुए थे, तो मैंने वहीं से आपका मतलब जाना था वहीं से हुआ। तो वहाँ से मतलब मैंने अपने यूट्यूब पे सर्च करा और सर्च लिस्ट में आया, और आपने सॉलिड ज्योमेट्री को वहाँ पे फाइंड आउट किया, तो सॉलिड ज्योमेट्री का मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपने मेरे से कनेक्ट हाँ, उनसे किया। तो 2-3 क्वेश्चन बने ही मेरे से एग्जाम आपके। तो आपको क्या लगता है कि मैंने जो पढ़ाई का मटेरियल जो भी बीसीसीएलई को ये यहाँ पे प्रोवाइड कराया है, जैसे कि मैंने बहुत सारा चीज़ ऑलरेडी प्रोवाइड कराया है, मैथ भी पढ़ाया है, मैकेनिक्स भी पढ़ाया है, इंग्लिश भी पढ़ाया है, तो वो जितना मैंने कुछ पढ़ा है
क्या लगता है कि उतना पढ़ने के बाद से आप बीसीसीएल जो क्रैक करने की आप जो कोशिश करते हैं, बीसीसीएल क्रैक किया जा सकता है उतना कंटेंट से, या मुझे कुछ और भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए? क्रैक तो किया जा सकता है, बट अच्छा खासा रैंक भी आ सकता है, बस बस नहीं कुछ बोल सकते, बस आपका प्रिपरेशन तो बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो मैं कुछ और भी क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे कि आपने 18 रैंक हासिल किया है, तो 18 रैंक हासिल करने के लिए आप मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे कि आपने बोला कि 21 में मैं पास आउट किया, चेन्नई से मैंने डिप्लोमा किया था, तो आपको क्या लगता है कि 21 में पास आउट होने के बाद से आप 21 से 22 तक तो आप फुल्ली जो है कि अभी आप घर पे ही होंगे, तो आप फुल्ली मतलब प्रिपरेशन करते थे बीसीसीएलई के लिए, कि अपार्ट फ्रॉम बीसीसीएलई के सिवाय कुछ और भी आप चीज़ों का तैयारी करते थे या टाइम देते थे, या एक तरीके से मैं बोलना चाहूँ तो आपने जो बीसीसीएलई का तैयारी किया और 18 रैंक आपने हासिल किया, वो मतलब कि आम बात नहीं है, 18 रैंक हासिल करना मतलब बहुत मुश्किल से ही आ पाता है। आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि थोड़ा सा डिफिकल्टी क्वेश्चन रहते हैं, तो 18 रैंक हासिल कर उसके लिए आपने कितना घंटा आउट ऑफ 24 आवर में कितना घंटा आपने पढ़ाई कर रहे थे आप? चूंकि मैं 2021 में जब मेरा एडमिशन हुआ था, तो आपने ही बताया था कि आपका अपॉर्चुनिटी है कि SSC JEE RRBJEE का प्रिपरेशन किया जाए, तो मैंने उस पर फोकस किया था। और DSSB का जो एग्जाम था, DSSB JEE का, उसका भी दिया था, तो उसमें तो सिलेक्शन नहीं हो पाई, बट इस बार SSC JEE की एग्जाम होगी, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। प्रिपरेशन तो हो चुका है, मतलब देखा जाए। और BCCLE के लिए भी थोड़ा, जब फॉर्म का नियर आ गया था, जब सब बोल रहे थे कि आने वाला है फॉर्म, तब स्टार्ट किया था। अच्छा खासा तो यानी कि आप बैठे नहीं रहे, आप अपने आप को मतलब कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर रहे थे, तो मैं जितने भी ये वीडियो ऑडियंस मेरे देख रही हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपका भी इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया है, आप भी अगर डिसक्वालीफाई हो, तो मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप भी बैठे मत रहिए, अभी भी SSC JEE आने वाली है, RRBJEE आने वाली है, बहुत सारे प्लेसमेंट के भी फॉर्म आएंगे, तो वो सब भी आप ट्राई करते रहिए, और जब फॉर्म आता है तो आप एक बार और भी ट्राई करें। जैसे इन्होंने 21 में ट्राई किया, इनका नहीं हो पाया, रैंक अच्छा नहीं आ पाया, तो इनको कॉलेज नहीं मिला, बट इन्होंने 22 में फिर से अटेम्प्ट दिया और इन्होंने अच्छा रैंक स्कोर किया यहाँ पे, तो आपको भी घबराने की कोई बात नहीं है, आप भी जो है कि एक अटेम्प्ट और दे सकते हो, ठीक ना? तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, एक बार में नहीं तो दूसरा बार में तो हो ही जाएगा ना, अगर आप लगे रहोगे तब तो होगा ना, तो आपको लगे रहना एक तरीके से, ठीक है मुकुंद? बहुत अच्छा। और मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि आपने यहाँ पे 18 जो रैंक हासिल किया है, तो मैंने जैसे कि आपसे पहले भी मैंने एक बार दो बार फ़ोन पे बात किया, जैसे आपने बताया भी कि मैं तकरीबन वन वन ईयर से मैं कनेक्ट में हूँ, तो पिछला बार आपका नहीं हो पाया था, तो उस टाइम पे आपने मतलब मेरे को कॉल वगैरह भी किया था और काफ़ी ज़्यादा चिंतित दिख रहे थे उस टाइम पे कि भैया मेरा नहीं हो पाया, मैं ऐसे किया वैसे किया, मैंने तैयारी किया था, एग्ज़ाम दिया था, कुछ नहीं हो पाया था, मैंने मैसेज दिया था आपका, ठीक ना? और साथ साथ कॉल पर भी मेरी बात हुई थी आपसे पहले, तो उस टाइम पे मैंने जो आपको गाइडेंस दिए वो रियली में आपको अच्छा लगा और वो चीज़ आपके लिए बेनिफिट रहा, वो चीज़ आपको लिए लाभदायक रहा, ऐसा कुछ आपको लगा? लाभदायक रहा है, इसलिए वन ईयर से कंटिन्यू आपके साथ लगे हुए हैं, आपके साथ मिले हुए हैं, आपकी गाइडेंस देता रहा। ओके, थैंक यू। और बाकी एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि अभी आपने 18 रैंक हासिल किया है, तो आपने डिप्लोमा जो किया है वो किस ब्रांच से किया है? सिविल से ना? हाँ ओके, आपका ब्रांच सिविल है, तो अभी जो आप बीसीसीएल में 18 रैंक हासिल किए हो, 18 रैंक हासिल किए हो, तो आपको आगे बीटेक करने के लिए आपको सिविल ही लेना है ना, या ब्रांच भी चेंज करना है? नहीं, सिविल रहेंगे बेटर रहेगा टीचर्स के लिए। बात है, मैं जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी एक कंफ्यूजन रहता है कि मतलब ब्रांच चेंज करना सही रहेगा या नहीं सही रहेगा, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर आप जिस ब्रांच से डिप्लोमा किए उस ब्रांच से आप जाओगे बीटेक करने, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को आप अच्छा से गहराई से समझ पाओगे और अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे, तो वो अच्छा रहता है ना, ठीक हाँ, है? वो तो बेटर रहता है। तो मुकुंद, ये सब बातें हुई थोड़ा बहुत, और उसके बाद से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने मतलब मेरे चैनल के थ्रू थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, तो मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा? और जो अपने मैंने मेरे चैनल से जो कंटेंट पढ़ा था उसमें से सबसे आपका फेवरेट कंटेंट कौन सा रहा, जैसे मैथ मैकेनिक्स और इंग्लिश? मेरे लिए आपके चैनल से सबसे बेस्ट था सॉलिड ज्योमेट्री। सॉलिड ज्योमेट्री आप ही के चैनल से मैंने पढ़ा था, और सारे बहुत सारे चैनल है, जैसे MRC स्टडी है, BCA वो डायमंड मैथ टेक है, लेकिन आपके चैनल से मैंने सॉलिड ज्योमेट्री किया था, वो तो कन्फर्म।
अभी भी नोट्स मैंने दिखा सकता हूँ, मेरे पास अभी भी नोट्स है आप। ओके ओके, थैंक यू, अच्छी बात है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा गाइज कि अगर आप लोग भी तैयारी करते हो तो मैंने प्लेलिस्ट भी बहुत सारे बना रखे हैं, आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे देखिए काफ़ी सारा प्लेलिस्ट पढ़ा हुआ। जैसे कि मुकुंद ने बताया कि सॉलिड ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट मैंने पूरे पढ़ा और नोट्स भी बनाया, तो आप लोग भी प्लेलिस्ट को अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो प्लेलिस्ट वहाँ पर बनाए रखे हैं मैंने, वहाँ से जा करके आप देखना, काफ़ी अच्छा अच्छा वीडियो मैंने दे रखे हैं। और उसका एक प्रॉपर नोट्स बना लेना जो कि आपको एग्जाम टाइम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, आप चीज़ों को जल्दी रिकॉल कर पाओगे और काफ़ी जल्दी जल्दी रिवीजन वगैरह कर पाओगे। तो मुकुंद जैसे बताया कि वो बहुत अच्छा चीज़ है कि आप प्लेइंग लिस्ट को ही देख लो एक बार, ठीक ना, अगर आपको तैयारी करना अच्छा तो प्लेइंग लिस्ट ही देख लो, वहाँ पर पूरा कंप्लीट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो मुकुंद आपसे एक सवाल मेरा और रहेगा कि आप कौन सा कॉलेज लेना चाहोगे अभी इस बार? मुझे तो लग रहा है कि MIT अगर मिल जाता तो बहुत बेटर रहेगा मेरे लिए, मैं MIT लेना चाहूंगा, उसके बाद नहीं मिले वो नहीं मिलेगा वो अलग बात है, बट आपने जब चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको अपना मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी देना वो MIT को देना ही ना। हाँ, MIT देना। हाँ ठीक है, MIT भी ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट भी होती है, सब चीज़ होती है, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपको मेरे चैनल से अभी जुड़ रहे हुए हैं तो आपको आप जैसे कि अभी आपका जो वीडियो है ना केवल हम देख रहे हैं और ना ही आप देख रहे हैं, और ये वीडियो मतलब 3-4 हज़ार ऑडियंस है मेरा, वो सब भी देख रहे हैं और आने वाले इन फ्यूचर जितने भी जूनियर्स होंगे जो कि 2023 में एग्जाम देंगे वो सब भी देखेंगे, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपना प्रिपरेशन करेंगे तो उनको क्या चीज़ें करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए था, क्या टिप्स देना चाहेंगे आप उन लोगों के लिए, कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो आप बोलिए। मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बता दूँ कि स्टूडेंट्स को जैसे जैसे इसमें तीन तीन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इंग्लिश, मैथ और मैकेनिक्स। इंग्लिश तो कंपलसरी है, उसको तो पास करना अनिवार्य होता है, जैसे आप रहा मैथ और मैकेनिक्स, वो तो रैंक डिपेंड करता है मैथ और मैकेनिक्स। मैथ और स्टूडेंट्स को ये मतलब मैसेज देना चाहूँगा कि मैथ और मैकेनिक्स में जो आपको अच्छा लगे वो आप पहले चूज कर लो, कि मुझे मैथ करना है तो मैथ, मैकेनिक्स करना है तो मैकेनिक्स, मैथ करना है तो मैथ करो, मैकेनिक्स करना है तो मैकेनिक्स। जैसे मैं अपना बता रहा कि मुझे मैथ करना अच्छा लग रहा था तो मैंने मैथ किया था, और मैकेनिक्स में मैंने एक भी क्वेश्चन टच भी नहीं किया, और मैंने मैथ भी किया था और मैथ से ही इतना अच्छा रैंक आया। ओके गाइज, तो एक चीज़ और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है, आप देख सकते हो मुकुंद ने खुद बोला है जबकि रैंक होल्डर है, 18 रैंक इन्होंने हासिल किया है, 18 रैंक इनका। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि मैंने केवल मैथ ही किया था, मैथमेटिक्स को मैंने टच भी नहीं किया था, तो इसमें से काफ़ी सारे लोग, मैंने पिछला बार भी बताया था कि अपने वीडियो में कि अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो एक सब्जेक्ट से भी आप अच्छा खासा रैंक ला सकते हो, आपका जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने है मुकुंद, जिन्होंने केवल मैथ में ही अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया था और मैकेनिक्स में इन्होंने क्वेश्चन ही अटैम्प्ट नहीं किया था, और इंग्लिश अटैम्प्ट किया होगा क्योंकि इंग्लिश पास करना जरूरी है। तो मुकुंद आप बता सकते हैं कि आपने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था मैथ में, वो टोटल कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया? मैंने मैथ में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और 30 का 30 हमको लग रहा है कि सही होगा, क्योंकि मैंने मुझे पास और टाइम बचा नहीं कि और क्वेश्चन। अच्छा, मतलब आउट ऑफ 50 में से आपने 30 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था ना मैथ में, और मैं मैकेनिक्स तो आपने टच भी नहीं करा, तो इंग्लिश में आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था इंग्लिश में? ओनली 15 किए थे, क्योंकि मुझे मैंने सारे क्वेश्चन एनालिसिस कर चुका था मैथ का, तो मुझे लग रहा था कि अगर इंग्लिश में टाइम देते हैं तो मैथ में मेरा क्वेश्चन छूटेगा, और लग रहा था कि मुझे एक दो क्वेश्चन छूट ही गया मैथ में। तो देख सकते हो इन्होंने जो मतलब 18 रैंक हासिल किया है मात्र केवल और केवल 30 क्वेश्चन को सही करके। तो आप जो लोग मुझसे पूछते रहते हो कि कितना क्वेश्चन बनाएंगे तो मेरा अच्छा रैंक आ जाएगा, तो देख सकते हो कि 30 क्वेश्चन इन्होंने करा था और वो भी 30 का 30 सही सही करा था, तो इनको 18 रैंक हासिल हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि आप किसी एक सब्जेक्ट को भी आप चूज कर करके आप चाहो तो उसमें अच्छा से अच्छा मार्क्स ला करके आप सेलेक्ट हो सकते हो BCCL एग्जाम में। तो ये सब बातें हुई, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जाते जाते मैं आपसे मुकुंद एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आप मेरे से जुड़ करके आप एक साल से रह रहे हो और अभी भी जुड़े हो रहोगे इन फ्यूचर, तो आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर के लिए आप क्या ड्रीम अपना सेट कर रहे हो? जैसे कि होता है ना कि मैंने अच्छा यहाँ पे स्कोर किया तो सेमेस्टर में जा कर के मैं वहाँ भी टॉप करने की कोशिश करूँगा, वहाँ भी रैंक होल्डर बनने की कोशिश करूँगा, जाऊँगा तो गेट क्रैक करूँगा, PSC में जॉब लूँगा,
आईआईटी वगैरह में एडमिशन लेना है, ऐसा कुछ ड्रीम है क्या आगे इन फ्यूचर? ना ऐसा तो कुछ ड्रीम नहीं, बस जॉब मिल जाए। अच्छा, जब जॉब मिल जाए, कुछ नहीं चाहिए, बस मुकुंद को जॉब चाहिए क्या? हाँ तब और बता सकते हो कि मेरे से जुड़ करके कन्वर्सेशन करके मतलब कि क्या लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है? एक्चुअली फर्स्ट टाइम हम लोग वीडियो कॉल पर भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे एज ए इंटरव्यूअर बात कर रहे हैं हम लोग, तो कैसा फील हो रहा है आपको? आज तक आपने मतलब यूट्यूब चैनल पे मतलब वीडियो देखा होगा, बस वीडियो में ही देखा होगा, और आज यहाँ पे लाइव हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कैसा फील हो रहा है? कुछ मोटिवेशन आ रहा है क्या? हाँ कुछ बहुत बहुत कुछ इस बात है, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। ओके, थैंक यू मुकुंद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच, और एंड अगेन आपको कंग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग द रैंक दिस इज इन BCCLE 18 रैंक। तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल से जुड़ने के लिए, आपको ये वीडियो देखिए मतलब यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा, कल परसों देखने को मिल जाएगा, वो मैंने और भी लोगों का इंटरव्यू वगैरह अटेंड किया, तो उन लोगों का मतलब वीडियो मैंने अभी अपलोड करूँगा, तो आपका भी हो जाएगा अपलोड, जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक वगैरह दे सकते हैं। और तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए मेरे साथ, थैंक यू सो मच मुकुंद, आप चाहें तो लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।